गुमराह, अभी तक आपने गुमराह की एपिसोड्स में देखा, हुमा और फरियाल बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन हुमा को लालच होती है कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन जाए। तो वो फरियाल को ही अपने काबू में कर लेती है और उसके बाप के साथ शादी कर लेती है। जब आलियन को इस बारे में पता चलता है कि हुमा तो हवाओं में उड़ना चाहती है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है कि हुमा उससे शादी कर ले, क्योंकि आलियन उसे पसंद करता है, लेकिन वो उससे शादी कर लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमा तक भी ये बात पहुंच जाती है कि फरियाल की दोस्त हुमा ने सरमद से शादी कर ली। सरमद हुमा को हर चीज़ दे के देता है, गाड़ी, घर, बंगला। इस तरह से हुमा के माँ बाप भी उसे घर से निकाल देते हैं कि अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। हुमा चुप करके अपने शोहर के घर चली जाती है, क्योंकि उसकी खुशी तो सिर्फ गाड़ी, पैसा और बंगले में थी। अब जब हुमा के सामने सब कुछ सामने आता जा रहा है, तो उसे पछतावा हो रहा है कि उसने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। हुमा का बेटा हो जाता है। सरमद हुमा से बेटा लेकर आसमा के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा तुम ही पालोगी। आसमा यहाँ पे उसे गुस्सा करती है कि पहले तुम्हारी बेटी पाली और अब तुम्हारा बेटा। मैं कुछ नहीं करना चाहती तुम्हारे लिए, चले जाओ यहाँ से वापस। यहाँ सरमद की बहन सोचती है कि फरियाल हुमा का बेटा लेकर पालेगी और वही इसी की परवरिश करेगी।